साथियों, कोई भी परीक्षा देने से पहले या परीक्षा का तैयारी करने से पहले सर्वप्रथम उसका सिलेबस देखा जाता है। तब उस परीक्षा से पिछले वर्षों का आया हुआ प्रश्न देखा जाता है, जिससे यह आसानी से पता चल जाता है कि परीक्षा से सवाल किस तरह से पूछे जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। दोस्तों, आज बीपीएससी के द्वारा विगत वर्षों का शिक्षक बहाली संबंधित प्रश्न देखेंगे, जो कि पिछला साल पूछा गया है। पिछले वर्षों यानी कि 1993 में दोस्तों जो रेगुलर बहाली होता था शिक्षकों का, 1993 में यह पूछा गया है, उसी को हम देखते हैं, जिससे आप लोग को ये पता चल जाए कि सवाल कैसे आता है बीपीएससी में। और दोस्तों, ये 13 हम देखेंगे, 13 बार परीक्षा हुआ था विभिन्न पालियों में, तो ये तीसरा वीडियो है उसका। अगर नहीं देखे हैं एक दो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, देख सकते हैं। एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में आपको 75 अंक का रहेगा ये सामान्य अध्ययन, जो कि सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन रहेगा और करेंट से रहेगा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के योगदान से रहेगा, भूगोल से रहेगा, भारतीय राज्य व्यवस्था से रहेगा, प्रारंभिक गणित और मानसिक परीक्षण से रहेगा। और दोस्तों, मैं बिहार का भी एक बिहार स्पेशल उसका भी वीडियो डालता रहता हूँ, जो कि बिहार में जैसे कि मुख्य एक गंग नदी से पूछा जाता है हरदम सवाल, और स्वतंत्रता संग्राम 1857 वीर कुंवर सिंह से, और किसान आंदोलन से जरूर रहेगा, और जनसंख्या से ये तो रहता ही है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं प्रश्न पत्र। जैसा कि पहला प्रश्न है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो ये दोस्तों आपको इंडोनेशिया में है, जो कि जावा द्वीप में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल आज 100 क्वेश्चन देखेंगे, 100 क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे तो इसमें 75 ही पूछा जाएगा, 75 आपको डीलेट से पूछा जाएगा। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? तो दोस्तों ये हिप्पोक्रेटस होगा। आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, उनके अष्ट प्रधानमंत्रिमंडल में पेशवा का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। पेशवा का पद आज के प्रधानमंत्री तरह ही था। दोस्तों अगला देखते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि बिहार के शिक्षा विभाग संबंधी अपडेट मैं देता रहता हूँ, और प्रधान शिक्षक का भी तैयारी अपने चैनल पर कराता हूँ, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप बिहार के शिक्षक हैं तो। अगला को देखते हैं, 4 नंबर आपको, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? जो कि आपका इसका होगा भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल भौतिक विज्ञान वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उनको 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और एक बार ये भी समझ लीजिए कि भौतिकी के ही क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार के विजेता रहे डॉक्टर सी वी रमन के ये भतीजा थे। आगे देखते हैं। रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका परीक्षा में, क्योंकि ये बीपीएससी का वीडियो सीओ का परीक्षा नहीं है कि बहुत कठिन सवाल रहेगा। उसमें 5 ऑप्शन रहता है, ई ऑप्शन तक रहता है, इसलिए वो कठिन हो जाता है, और इसमें नेगेटिव मार्क्स है, इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर स्टडी मटेरियल उपलब्ध रहेगा। चलिए देखते हैं 5 नंबर। रॉकी पर्वतमाला पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है, इसकी सर्वोच्च चोटी है जो कि माउंट एल्बर्ट है। दोस्तों 6 नंबर देखते हैं अब, उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? तो ये दोस्तों जापान को कहते हैं, ये सवाल सब लोग जानते ही हैं, आसान सवाल है। 7 नंबर, महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनाया? तो ये दोस्तों आपको चंदेल शासक बनवाए थे। महाबलीपुरम के एकादश मंदिर जिन्हें रथ कहा गया, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। आगे देखते हैं। क्रोना किस देश की करेंसी है? तो ये दोस्तों आपका स्वीडन का करेंसी है क्रोना, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये मैसूर में स्थित है। ओणम किस
राज का त्यौहार है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा केरल का त्यौहार है ओणम। ये बहुत प्रमुख केरल का एक त्यौहार है। आगे देखते हैं, जैसा कि दोस्तों ये करंट से है, वहाँ 1993 का परीक्षा था तो 91 के जनसंख्या से आया है, इसलिए मैं 2011 का जनसंख्या पढ़ा दूंगा, उससे भी सवाल जरूर आएगा, और बिहार के जनसंख्या से खासकर। इसको छोड़ देते हैं, 12 नंबर देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो आपको ये इसमें उत्तर होगा कामेंग नहीं है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ डिबोंग, लोहित, सेसरी, नोवा, दिहांग आदि है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है, जो कि आप लोग जानते ही होंगे? इसका उत्तर आपको आयरन होगा। आगे देखते हैं, ऑप्शन आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ने में समय बहुत लंबा, वीडियो चला जाएगा। सबसे बड़ा पदार्थ क्या है इसमें? प्लेटिनम, हीरा, इस्पात, पत्थर। तो इसमें आपका दोस्तों उत्तर होगा हीरा है। आगे देखते हैं, हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, इसका प्राकृतिक स्रोत किम्बलाइटर पत्थर होता है, और शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगीन होता है। आगे देखते हैं, बिजली के बल में किस गैस का प्रयोग होता है? बहुत सारे परीक्षाओं में ये सवाल पूछता ही रहता है, ये प्रचलित क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका उत्तर देख लीजिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अक्रिय गैस, चार ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आपको अक्रिय गैस होगा, जो कि नोबेल गैस बोला जाता है। जैसे कि विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, इसमें टंगस्टन धातु का फिलामेंट लगा होता है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि किस धातु का फिलामेंट होता है विद्युत बल्ब में, तो टंगस्टन याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये जैसा कि आपका करेंट का क्वेश्चन है 16 नंबर, और इसमें भी खेल से जरूर क्वेश्चन रहेगा एक दो, जैसे कि ओलंपिक से रहेगा, पैरा ओलंपिक से रहेगा, जो नीरज चोपड़ा इस बार भाला फेंक में गोल्ड जीते थे मेडल। चलिए आगे देखते हैं, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो खेल से भी क्वेश्चन आ ही गया फिर एक बार, तो इसमें दोस्तों उस समय का है, तो बिली बर्ड से होगा ये। आगे देखते हैं, ओलंपिक 1996 में क्वेश्चन है, जो कि खेल से है, करंट से है, तो इस बार भी आप लोग खेल का मैं करा दूंगा अगले से वीडियो में। एसएच का संबंध किस खेल से है? तो जानते ही हैं ये क्रिकेट से है, जो कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच एसएच श्रृंखला होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शतरंज का खिलाड़ी नहीं है? तो दोस्तों उस समय का करंट ये भी है, इसमें एक आंसर हो जाएगा आपका बाप क्लोज। एक कुंडलित हाथ घड़ी में गतिज ऊर्जा संचित रहती है, तो ये आपको दोस्तों इसमें देख लीजिए, गतिज ऊर्जा संचित रहती है, उसमें ऊर्जा संचित रहती है दोस्तों। एक बार पढ़ लेते हैं, एक कुंडलित हाथ घड़ी में, तो इसका उत्तर हो जाएगा यांत्रिक स्थिति ऊर्जा संचित रहती है, यानी कि कोई ऊर्जा संचित नहीं रहती, तो इसमें आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यांत्रिक स्थिति ऊर्जा संचित रहती है हाथ घड़ी में। गंधक सुगमता से घुल जाती है, तो किस में घुल जाती है? पानी में, एल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड में, और सोडियम क्लोराइड में, तो इसका आपको दोस्तों आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। गंधक जल में अघुलनशील है, लेकिन यह कार्बन डाइऑक्साइड में सहजता से घुल जाती है। 23 नंबर देखते हैं, किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है? तो ये आप लोग जानते ही हैं, बृहस्पति में, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, टिटान शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों। आगे देखते हैं, किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है दोस्तों? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा शनि, गलती से बृहस्पति बोल दिया था मैं, ये नहीं होगा। आगे देखते, दोस्तों एक बार सवाल पढ़ लेते, किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है? तो दोस्तों ये बृहस्पति होगा, क्योंकि सवाल थोड़ा पढ़ने में वो हो गया था। 24 नंबर देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये दोस्तों जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आगे देखते हैं,
कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? तो दोस्तों ये कोल्ट जो है टैंक रिवॉल्वर रडार हेल्पर में से आप लोग को ये रिवॉल्वर को आविष्कार किए थे रिवॉल्वर का। मानव शरीर में की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है आप लोग जानते ही हैं 26 नंबर, जो कि फीमर है। सत्ताईस नंबर देखते हैं, किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो दोस्तों ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, वैसे इसमें से आंसर होगा जगह आपका पाकिस्तान। और कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आपको दोस्तों उत्तर हो जाएगा 28 नंबर है, जो मध्य प्रदेश में। कोल जनजाति के लोग मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। जनजाति से भी एक सवाल आएगा, खासकर बिहार के जनजाति से आ सकता है। अगला है दोस्तों, बिलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से में दी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका याचिंग। अब दोस्तों सिर्फ जल्द जल्द उत्तर देख लेते हैं, सिर्फ ये बताया गया है कि कैसा क्वेश्चन रहेगा। इसलिए कोडा के मंदिर किस देवता का मंदिर है, जो कि आपको उड़ीसा में है। 30 नंबर का आपको उत्तर हो जाएगा, सूर्य देवता का है। और अगला देखते हैं, हरगोबिंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये दोस्तों बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, जो कि जैव रसायन विज्ञान में मिला था आपका। अगला देख लेते हैं, भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाला व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों आपका इस उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। वैसे दोस्तों भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति गुलजारीलाल नंदा थे। जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इन्होंने 2 बार क्रमशः 14 दिन और 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। और अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो मात्र 16 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे थे, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी होगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। चलिए अगला देखते हैं, उड़ीसा भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों 33 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका उड़ीसा, जिससे नाम से ही समझ सकते हैं। अगला है, कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है? तो सब लोग जानता है बिहार की नदी है कोसी, जो कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो ये आप लोग जानते ही होंगे कि ये 35 वर्ष है न्यूनतम उम्र सीमा राष्ट्रपति बनने के लिए। और आपका अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा राजगृह था। अगला देखते हैं, बाइसिकल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, जो कि करंट था उस समय का ये क्वेश्चन, जो कि हरियाणा था उस समय। जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा जापान। आगे देखते हैं, सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए कैसा आया है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी है? तो ये दोस्तों आपको उत्तर हो जाएगा इसका ग्रीन लैंड। पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कंडला स्थित है। आगे देखते हैं, कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है? तो ये दोस्तों आपको उत्तर हो जाएगा भूमध्यरेखीय है। और एल्युमिनियम का अयस्क है? तो ये दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट का। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म की शाखा नहीं है, जो कि आपको उत्तर दोस्तों हो जाएगा त्रयांत्र। ये तो है ही, हीनयान महायान ब्रजयान, दी नंबर नहीं है। आगे देखते हैं, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र संबंधों में रहता है? तो यह दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा रूसो ने कहा था ये। कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या है, जो कि हिस्ट्री से क्वेश्चन है आपका, कश्मीर के राजाओं का इतिहास से। तांबा के उत्पादन के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों आपको खेतरी प्रसिद्ध है तांबा उत्पादन के लिए।
गोबी रेगिस्तान कहाँ है? तो ये दोस्तों आपका मंगोलिया में है, बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या कितनी होगी? ये बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो होता है संख्या उनका। त्यागराजा कौन थे? तो ये दोस्तों आपको उत्तर हो जाएगा, नर्तक थे ये। मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है? ये सब लोग जानते ही हैं, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 98.4 डिग्री सेल्सियस। अगर देखते हैं, इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये दोस्तों आपको पुपुल जयकर ने लिखी थी। ये करंट वाला क्वेश्चन है जनसंख्या का, इसीलिए जनसंख्या का एक वीडियो मैं बना दूंगा। देख लेते हैं, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, जो कि 53 नंबर क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा पत्ती। और कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता? जो कि है रेबीज, जो कि कुत्तों के काटने से फैलता है। 54 नंबर है। अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन थे? 55 नंबर, जो कि ये मेंडल थे। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? जो कि मदुरई में स्थित है दोस्तों। 56 नंबर आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता ही रहता है। शांतिवन किसकी समाधि है? 57 नंबर, जो कि आपको याद होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू का समाधि। एक बार पिछला परीक्षा में भी पूछा गया था, जो हम लोग देखे थे। 58 नंबर देखते हैं, जो कि बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा कहाँ दी? 58 नंबर, जिसका उत्तर आपको हो जाएगा सारनाथ में। और मेन कॉम्प्ट पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक से भी एक जरूर, बुक से तो क्वेश्चन पूछता ही रहता है। 59 नंबर, जो कि आपका हिटलर हो जाएगा। और जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया? तो ये दोस्तों आपको उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद ने। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो दोस्तों 57 का, 1857 पूछेगा ही वीर कुंवर सिंह से खासतौर, क्योंकि बिहार का एग्जाम है, तो इसलिए ये आपका उत्तर हो जाएगा मेरठ से। और हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? तो ये दोस्तों आपको बाणभट्ट की रचना से मिलती है, हर्षचरित जो लिखे थे। आगे देखते हैं, किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो ये दोस्तों आपको मैग्नेटाइट हो जाएगा। और मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रिम है? तो ये उस समय का क्वेश्चन था, वैसे इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। और किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? 65 नंबर, इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। 65 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों रोमानिया। विश्व की सबसे बड़ी झील है? जो कि ये सुपीरियर झील, कैप्रियन सागर, विक्टोरिया, अरब सागर, जो कि आपको इसमें कैप्रियन सागर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्विंटो किस देश की राजधानी है? जो कि ये इक्वेडोर का राजधानी है। अब पोलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? क्योंकि ये चर्चा में आया था रूस और यूक्रेन हमले में जो हुआ था, पोलैंड में सब लोग उसी के रास्ते आ रहे थे, रोमानिया भी हुआ था उधर, तो इसका आप लोग जानती हैं क्योंकि ये चर्चा में आया था, तो ये वर्षा है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है? तो ये दोस्तों आपका 370 हो जाएगा। बहुत सवाल ये पहले पूछता था, बेंजामिन नेतन्याहू कौन थे? तो ये दोस्तों एक इजराइल के प्रधानमंत्री थे, करंट था क्वेश्चन, ये भी दोस्तों करंट है। आगे देखते हैं, उत्तर से दक्षिण तक भारत की लगभग लंबाई कितना किलोमीटर है? तो जैसे ये भारत का पूछ दिया मान लीजिए, तो ये देख लेते हैं, वैसे बिहार का भी पूछता है, 3214 है। आगे देखते हैं, बिल्स विश्व कप फाइनल, ये करंट का क्वेश्चन है, विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन था? तो ये भी उस समय का करंट का क्वेश्चन है, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा आपको मोरारजी देसाई। आगे देखते हैं, नटराज का प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उदाहरण है? तो ये दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा चोल कला का। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत बार सवाल पूछता ही रहता है विभिन्न परीक्षाओं में, तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग थे। आगे देखते हैं, आप 100 क्वेश्चन टोटल देखेंगे।
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की मीटर में कितनी है? तो दोस्तों उस समय 8848 मीटर कांगेट्रियक्स पावर परियोजना कहाँ है? तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा कर्नाटक में है। और ये करंट का क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध नदी किस पर है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछता ही रहता है, जो कि हीराकुंड आपको है महानदी पर। ईश्वर करे या शुभ दिन बार बार आए, इसमें बधाई तारों की संख्या क्या है? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा 7। आगे देखते हैं, सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो यह दोस्तों आपका सांची में है। और शिंकानसेन क्या है? तो यह दोस्तों आपका जापान का बुलेट ट्रेन है, ये उस समय का था क्वेश्चन करंट। हियाकुटेक क्या है? करंट का क्वेश्चन था उस समय का, जो 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु है। बिहार अलग प्रांत कब बना? मैं बिहार का एक वीडियो अलग से बताऊंगा, सीरीज भी बनाऊंगा। तो ये 85 नंबर का उत्तर देख लीजिए, ये 1936 में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो आपको दोस्तों उस समय अभी तो चंपारण है, पूर्वी देख लेते हैं कौन चंपारण है। तो दोस्तों पश्चिमी चंपारण हो गया है इस समय, उस समय बिहार नहीं था तब का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, कौन भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य नहीं थे? तो ये दोस्तों आपका ये वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा 88 नंबर का, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। आगे देखते हैं दोस्तों, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये क्वेश्चन आप लोग ये सुभाष चंद्र बोस। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा माउंट आबू पर। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों खेल है यहाँ का आइस हॉकी। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज चक्र पर औरों की संख्या आप लोग जानते ही हैं 24। भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया? जो करेंट का क्वेश्चन था, ऐसे 93 नंबर का उत्तर होगा मदर टेरेसा। आगे देखते हैं, ओंगस जनजाति है, जनजाति से पिछला बार भी सवाल पूछा था उधर भी, चलिए इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 94 नंबर, जिसका उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से जुड़ी हुई है? जो कि आपका मध्य प्रदेश होगा। और उलान बटोर किस देश की राजधानी है? ये दोस्तों आपका मंगोलिया की राजधानी है। पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई है? जो कि आपका इसका उत्तर हो जाएगा 600 मीटर। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछता ही रहता है आपका, ब्राज़ील है। और सतलज नदी का स्रोत कहाँ है? नदी से और क्वेश्चन निकाल गया, जो कि तिब्बत है इसका। और कौन सा टाइगर रिजर्व उद्यान नहीं है? इससे भी सवाल आता ही रहता है, ये मानस है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। मैं इसका जो 13 परीक्षा हुआ है BPSC के द्वारा प्राथमिक शिक्षा का, उसका वीडियो बनाता रहूँगा। अगला वीडियो में 4 नंबर देखेंगे सीरीज का। और दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के जय हिंद जय भारत।